सीतापुर जिला में डायरिया, वायरल बुखार, टाइफाइड का कहर जारी है। इसकी चपेट में बच्चों व बुजुर्ग आ रहे हैं। संक्रामक रोगों की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में भी तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि सीतापुर जिला अस्पताल में रोजाना करीब दर्जनों मरीज इन बीमारियों से ग्रसित पहुंच रहे हैं। बढ़ते तापमान के साथ संक्रामक बीमारियां पांव पसार रही हैं। गंदगी और दूषित पानी के कारण बढ़ रहे मरीज अस्पताल का रुख कर रहे हैं। डायरिया, टाइफाइड, बुखार आदि बीमारियों से परेशान मरीजों के अस्पताल में पर्चा बनवाने को लेकर मरीजों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को डायरिया जैसी बीमारी जकड़ रही है। जिला अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से आई इंडिया ने बात की। आइए जानते हैं कि परिजनों का क्या कुछ कहना है। ये बताइए आप, क्या नाम है आपका और कहाँ? हमारा नाम दयाराम जोशी है, जोशी टोला खैराबाद में रहते हैं। ये हमारा बच्चा किसी डायरिया वगैरह बन गई थी, जिसके लिए हम जिला अस्पताल चिकित्सालय में आए हुए हैं। डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है, जिससे अभी हमको कुछ ही क्षण आए हुए समय हुआ है। बाकी जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द स्वस्थ होने की मेरे बच्चे की कामना यही मैं कहता हूँ। आपका नाम? शुभ दयाराम जोशी। बीमार? आज 5 दिन हो गए। कहाँ रहते हैं? नरसिंहौली। ठीक है मगर जवान रुकती नहीं, चलाता रहता हर समय है। और ठीक है, डॉक्टर आते हैं देखने आते हैं। यहाँ दवा मिली नहीं थी तो बाहर से एक इंजेक्शन लिखा था। आपका नाम? राम कांति। गर्मी से बढ़ती डायरिया जैसी बीमारी को लेकर जिला अस्पताल के सीएमएस से आई इंडिया ने बातचीत की। आइए जानते हैं कि डॉक्टर का क्या कहना है। गर्मी बढ़ते ही बच्चों को डायरिया हो गई, काफी संख्या में आने भी लगी, क्या सर सुझाव देना चाहेंगे, क्या बीमारी? इधर तो गर्मी करीब 1-2 हफ्ते से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही गर्मी है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि सारे लोगों को और विशेषतः जो हमारे बच्चे और जो बुजुर्ग हैंगे, ये तो बिल्कुल तेज़ धूप में ना निकलें, और कहीं भी अगर जाते हैं तो पूरी पानी पी करके पर्याप्त मात्रा में घर से निकला करें, और विशेष कर से जो भी बहुत आवश्यक काम है सुबह या शाम के टाइम पर आप निपटा लीजिए उसको। अब खासतौर से बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा उनके पेरेंट्स से ये कि बच्चों को जब भी धूप में लेके जाएं उनको सिर को अच्छी तरह ढक के लेके जाएं, बाहर की कोई भी चीज़ जो खुली हो बिल्कुल न खिलाएं बच्चों को। और सबसे अच्छा रहेगा कि घर से आप साफ पानी अपने बॉटल में लेके चलिए, जिससे बच्चों को पिलाएं और जिससे बाहर के पानी की ज़रूरत न पड़े और उनके शरीर में पानी की कमी भी ना होने पाए। दूसरी बात, अगर आपके घर में बच्चे या किसी को डायरिया शुरू भी हो गया तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब तुरंत अपना वायरस का पाउडर जो आता है, चाहे इलेक्ट्रॉल का पाउडर आता है, चाहे आप कुछ भी ना मिले तो साफ पानी में थोड़ा सा शक्कर और एक चिटकी भर नमक मिला करके उसको पिलाते रहिए। तब तक पिलाइए जब तक आप चिकित्सालय पहुंच नहीं जाते हैं। ये अगर इसके बाद भी अगर आपके दस्त नहीं रुकती तो मेरी ये जरूर सलाह है कि चिकित्सक की सलाह अवश्य लीजिए आप। मेरे चिकित्सालय में सारे डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहते हैं, हमारे बच्चे के डॉक्टर भी रहते हैं, बड़े के भी डॉक्टर रहते हैं ये। और डायरिया के लिए भी बहुत सारे इतने ज़्यादा मरीज तो नहीं आ रहे, फिर भी जो भी आते हैं उसको हम लोग टाइमली टैकल करते हैं और एडमिट करके प्रॉपर उसकी चिकित्सा करते हैं।